2.3.3 क्षारक धातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कार्बन सल्फर आदि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करती हैं। क्षारक इन अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड धन क्षारक बराबर लवण धन जल। सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फाइड तथा जल बनाती हैं। SO2 गैस प्लस ट्वाइस NaOH एक्वस इज इक्वल टू Na2SO3 एक्वस सोडियम सल्फाइड प्लस H2O लिक्विड। 2.3.4 अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्ल धन क्षार बराबर लवण धन जल। आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। क्रियाकलाप पांच, एक परख नली में 20 बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लेकर एक दो बूंद फिनोल्फथेलिन डालिए। परख नली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक डालें जब तक विलयन का रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। विलयन के रंग परिवर्तन का क्या कारण है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। HCl aqueous plus NaOH aqueous is equal to NaCl aqueous plus H2O liquid। अम्ल में क्षार की एक बूंद डालने पर वह अम्ल के कुछ अणुओं से क्रिया कर लवण और पानी बनाता है। यह क्रिया उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। इस प्रकार क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता जाता है। जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलयन उदासीन हो जाता है। इसके पश्चात क्षार की एक और बूंद डालते ही विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। अब बताइए इस विलयन की प्रकृति क्या होगी।